इस वीडियो में आइए हम जानते हैं कि अपने खाने में हमें किस तरह की चेंजिंग की जरूरत है जो डायबिटीज के लिए जरूरी है। अगर आप दिन की शुरुआत चाय कॉफी से करते हैं तो आप फीकी चाय या फीकी कॉफी के साथ बिस्किट नमकीन रस लेना बंद कर दें। इसके बदले आप अखरोट पिस्ता बेसन का चीला दाल का चीला ओट्स स्प्राउट ये सब चीज आप प्रयोग कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप एक गिलास दूध एक या एक कटोरी दही के साथ आप दलिया नमकीन रोटी ले सकते हैं। दोपहर के खाने में आप सलाद का अधिक प्रयोग करें। ध्यान रखें कि आधा पेट आप सलाद से ही भरें। अनाज की मात्रा कम लें। प्रोटीन युक्त भोजन करें जैसे चने की दाल राजमा छोला प्रोटीन युक्त भोजन आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियल हैं या नॉन वेजिटेरियल हैं तो खाने में ध्यान रखें। अगर आप वेजिटेरियल हैं तो आप फिश चिकन ये सब चीज आप खा सकते हैं। कम मात्रा में आप अनाज का प्रयोग करें जैसे रोटी दलिया ओट्स ये सब चीज कम मात्रा में प्रयोग करें। सलाद की मात्रा अधिक रखें। रोटी बनाने में ध्यान रहे कि रेशा युक्त आटा होना चाहिए जिसमें चोकर की मात्रा हो अधिक। अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो अपने थाली से एक रोटी निकाल दें। उसके बदले आप एक कटोरी थोड़ा चावल का खा सकते हैं। पकी चावल खा सकते हैं आप थोड़ी मात्रा में एक कटोरी बस एक रोटी के बदले। अगर आप फल खाना चाहते हैं तो एक कटोरी कटा फल आप खा सकते हैं। फल ताजी होनी चाहिए। आप भुनी चना भी खा सकते हैं जो चना भुना हुआ हो। अगर आप पनीर खाना चाहते हैं तो आप सब्जी के साथ हरी सब्जी के साथ आप पनीर का युक्त यूज कर सकते हैं। अब हम ये बताएंगे कि आपको क्या नहीं खाना है इसके बारे में अब हम बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यान दें आपको क्या नहीं खाना है। रोज के खाने में हो सके तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें पैकेट का चीज खाएं। खुला चीज बाहर की नहीं खानी है। पैकेट युक्त ही भोजन करें। आप जूस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके बदले आप ताजी फल थोड़ी मात्रा में एक कटोरी खा सकते हैं। ध्यान रहे फाइबर युक्त फल हो। अपने खाने में आप मैदे का प्रयोग ना करें जैसे मोमोज पिज्जा बर्गर मैगी ये सब चीज आप मैदे की चीज बिल्कुल अवॉइड ना करें। शुगर फ्री फैट फ्री अधिक फाइबर युक्त आप ना अफोर्ड करें ना लें। डायबिटीज युक्त भोजन का प्रयोग ना करें बिल्कुल ना करें। डायबिटीज होने का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं। खा सकते हैं बाहर के खाना पर इस रूल को फॉलो करते हुए बहुत ध्यान रखना होगा कि हमें डायबिटीज युक्त भोजन करना है और हमें इस रूल को फॉलो करते हुए आप बाहर खाना खा सकते हैं। करी पत्ता का प्रयोग कर सकते हैं। करी पत्ता से डायबिटीज बहुत कंट्रोल रहता है। इसमें जिंक की मात्रा अधिक रहती है इसलिए आप 5-7 करी पत्ता को उबाल लें और उसे ठंडा करके छाँक लें और उसे सुबह के टाइम आप खाली पेट ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम अधिक से अधिक जानकारी लेके आएंगे इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और हमें फॉलो करें।